सोच रहे हैं कि इतने दिन के अंदर, अब चार महीने के अंदर कितना सुधार हो जाएगा। सुधार दिन पर दिन नगर अध्यक्ष अपने फावड़ा लेके काम कर रहे हैं, सुधार बहुत तेजी से हो रहा। और हम तो जान रहे हैं कि 5 साल में यह नगर पंचायत इतना सुधार कर देगी, इस क्षेत्र वाले को अपने आप ही अध्यक्ष पावाए। और राखी की जो बात आप कर रहे हैं, जो ट्रस्ट उड़ रहा है, चूंकि सड़क निर्माण का काम हो रहा है, हम अगर बंद भी करवाते हैं तो इस नगर से ही पास होकर के ट्रक जाएगा तो अगला काम रुक जाएगा। जिसको जब भी मेरी आवश्यकता है, हमारे नगर पंचायत की आवश्यकता है, जब भी कोई फोन करेगा हमेशा हम हाजिर मिलूंगा, ये प्रयास करता हूँ चाहे रात हो चाहे दिन। स्वागत है आप सभी लोगों का पूर्वांचल तक न्यूज में। आज हम पहुंचे हैं जिला संत कबीर नगर के नगर पंचायत हैसरबाया करने के बाद। देख सकते हैं ये है बकौली सब्जी मंडी, जो कि अभी 3 दिन पहले यहां पर बड़ा हादसा हुआ था, क्योंकि शहरी बॉर्डर इशार्ट होता है जो कि शहर के लिए, उसमें एक ओवरलोड टेलर था जो जाके टकराने से यहाँ पर रात करीब 11 बजे के करीब भीषण आग लग जाती है, जिससे यहाँ पर यहाँ के लोगों को पूर्ण सूचना मिलती है। यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं, यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष बात सूचना देते हैं, तत्काल पूरा यहाँ पर हर संभव मदद करने का प्रयास कर रहे, जिसपे आग पर काबू पा लिया गया। इससे पहले आपको बता दें कि लगभग जो डिवाइडर है, ये डिवाइडर से लगभग 2 से 3 ट्रक टकराए थे, जिससे क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन अब की बार जो भी टेलर से टकराया था वो पूरी तरह से जल कर खाक हो गया। इसके सुरक्षा के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नीलमणि जी के द्वारा तत्काल इस पर एक्शन लिया गया। देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा के लिए यहाँ पर ब्रेकर लगाया जा रहा है और इसमें लाइटिंग लगी, जाकि दूर से अगर गाड़ियां आएंगी और इसमें लाइटिंग पड़ेगी तो वो लोग समझ जाएंगे। आइए, भाजपा के विशिष्ट नेता लोग भी है जो कि यहाँ पर सुरक्षा के लिए यहाँ पर लगवा रहे हैं। इस प्रकार के ये लगाया इसलिए जा रहा है, यहाँ कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। अब रोड पर ट्रक वाले चलते हैं तो कौन देख रहा है कि ट्रक वाले क्या कर रहे हैं। इसलिए इस बात को सोच करके हमारे नगर के अध्यक्ष महोदय ने यह सोचा, जनहित में सार्वजनिक हित में बहुत जरूरी है। अब हम अगर सड़क विभाग का इंतजार करेंगे तब तक और भी एक्सीडेंट हो गया तो हमारी बदनामी होगी, इसलिए यह सोच करके इन्होंने अपने तरफ से यह ब्रेकर लगवाना शुरू कर दिया है। यह जनहित में बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। और हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए बात, मैं तो यह भी कहता हूँ कि आप लोग पत्रकार हैं, तमाम लोग यह भी सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं कि इतने दिन के अंदर, अब 4 महीने के अंदर कितना सुधार हो जाएगा। सुधार दिन पर दिन नगर अध्यक्ष अपने फावड़ा लेके काम करवा रहे हैं, खड़ा हो श्रमदान में देखा जा रहा है, श्रमदान में देखा जा रहा है। लेकिन अब बताइए, इतने दिन के अंदर तुरंत सुधार नहीं, लेकिन सुधार बहुत तेजी से हो रहा। और हम तो जान रहे हैं कि 5 साल में यह नगर पंचायत इतना सुधार कर देगी, इस क्षेत्र वाले को अपने आप ही अध्यक्ष पावाए। यहाँ पर देखा जा रहा है जो ट्रक उड़ रही है, नगर पंचायत नगर पंचायत के तरफ से माटी की बात कर रहा हूँ। अभी देखा नगर पंचायत ने उन्होंने सड़क के किनारे माटी गिरवाने का काम किया था, यहाँ ट्रक जल गई थी, ट्रक जलने के नाते ज्यादा कच्चे, अब उन्होंने काफी बोल दिया कि नहीं हमारे तरफ से माटी गिर। और राखी की जो बात आप कर रहे हैं, जो ट्रस्ट उड़ रहा है, चूंकि सड़क निर्माण का काम हो रहा है, हम अगर बंद भी करवाते हैं तो इस नगर से ही पास होकर के ट्रक जाएगा तो अगला काम रुक जाएगा। लेकिन उनको कहा गया है कि अगर आप चलते हैं यहाँ और ट्रस्ट गिरता है तो इसको बचाने का प्रयास कीजिए, उपाय कीजिए, भिजवा करके रखिए और नीचे बरसाती रखिए, ये कहा गया है। हमारे साथ भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अमर राय जी हैं। अजय जी, देखा गया 2 से 3 दिन हुआ यहाँ पर ट्रक चल रहा था, एक्शन लिया गया, क्या कहेंगे? लिया है जो दुर्घटनाएं आकस्मिक घट जा रही है, रोड अभी चौड़ीकरण में है, बन गई है और
यहाँ से डिजाइनर शुरू हो रहा है, तो ऐसी घटनाएं भविष्य में क्या होती है, इसलिए नगर पंचायत में ध्यान दे करके तत्काल इसमें ब्रेकर लगवाने का और यहाँ पे सूचना लिखने का काम किया है कि जल्दी से बोर्ड लगा दिया जाए और लोगों को जानकारियाँ रखी जाए कि स्पीड कम करके गाड़ी चलाएं और ऐसे एक्सीडेंट दोबारा ना हो। इस प्रयास को मैं करता हूँ चेयरमैन का। और देखा जा रहा जल्द ही बना था, उसके पहले दो तीन घटनाएं और इसी से मुझे टकराई थी। जनहानि बचाना हमारी बहुत प्राथमिक जिम्मेदारी है, किसी की जनहानि ना हो, किसी के लिए ये प्रयास हो रहे हैं ताकि आगे से ये घटनाओं की चिंता बिजली न। देख सकते हैं हमारे साथ भाजपा के विशिष्ट नेता हैं, जो कि इनका साफ तौर से कहना है कि दो से तीन दिन पहले ये यहाँ पर जल कर खाक हुआ था जो डंपर, और तुरंत एक्शन भाजपा के प्रतिनिधि चेयरमैन प्रतिनिधि नीलमणि जी द्वारा ये लिया गया है। आइए इन्हीं से बात करते हैं इसके विषय में, ये क्या कहते हैं जो एक्शन लिया गया है, क्या कहेंगे? स्वागत है सर आपका। धन्यवाद साहब। किस प्रकार का ये डिवाइडर लगा है यहाँ पर देखा जा रहा है? यहाँ जब से जो है डिवाइडर लगा है जी, एक तो अभी इस जगह अंधेरा है, यहाँ लाइट नहीं लग पाई है, विभाग के द्वारा या रोड के द्वारा भी जो है जो लोग बना रहे हैं उनको खुद लाइट लगानी थी, इसलिए यहाँ हमारे विभाग द्वारा लाइटिंग नहीं की, अंधेरा रहता है, डिवाइडर इनका जो डिवाइडर वो दिखता नहीं है। अच्छा, ना दिखने के कारण यहाँ हम कई बार चक्कर भी लगवाए तभी जो है गाड़ियाँ जाकर उस पर एक्सीडेंट कर जा रही है। मजबूरी में आज जो है ब्रेकर लगवा रहा हूँ, ब्रेकर लगवा कर उसमें लाइटिंग लगाएंगे, वो भी सौर ऊर्जा का भी वो आता है ब्रेकर टाइप में, वो भी वहाँ इंडिकेटर टाइप लगेगा कि जिससे लोगों को पता चले कि यहाँ कुछ है आगे जो है कुछ एक्सीडेंटल प्लेस है, तो वही एक्सीडेंट ना हो उसके लिए सब व्यवस्था किया जा रहा है। देखा गया रात में लगभग 11 से 12 बजे के बीच में घटना हुआ था, तत्काल आप पहुँच गए? हाँ, जब जानकारी होती, देखिए जनता ने हमको जो विश्वास देकर हमको आज स्थापित किया है, तो जनता के भरोसे पर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, उनका भरोसा नहीं जिसको जब भी मेरी आवश्यकता है, हमारे नगर पंचायत की आवश्यकता है, जब भी कोई फ़ोन करेगा हमेशा मैं हाजिर मिलूँगा, ये प्रयास करता हूँ चाहे रात हो चाहे दिन हो। और उसमें हम अभी तक तो हमारे लोग या हमारी जनता और मैं खुद संतुष्ट हूँ अपने कर्म, आगे मेरा पूरा प्रयास है, जिससे एक्सीडेंट हो रहा है आज हम पूरा, कल से ही प्रयास था हमारा कि तत्काल में ब्रेकर लग गया, कोई ब्रेकर बाटी ही नहीं गया, इंडिकेटर अभी लगेगा, अभी साइन बोर्ड लगवाएंगे, सारा कुछ यहाँ करेंगे, कोई दिक्कत ना होने पर आगे फिर जो है कोई इतना बड़ा एक्सीडेंट ना हो, इसलिए ये सब व्यवस्था किया जा रहा है। डस्ट के बारे में क्या कहेंगे? डस्ट के बारे में हमने डीएम साहब को करीब 15 से 20 दिन हो गया पत्र लिखे थे, ये डस्ट गिर रहा है, तमाम जो है लोग परेशान हैं, आम जनता उसमें पीड़ित हो रही है, आम जनता के श्वासों में परेशानियां आ रही हैं, तो डीएम ने तत्काल, डीएम साहब ने संज्ञान लेकर एफडीएम को और सीओ को इसमें जांच के लिए लिखा है, तत्काल जांच करके रोका जाए, लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई ये हमें नहीं पता है, आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी लिया जा सकता है कि एफडीएम साहब या सीओ साहब इस पर क्या कार्रवाई की, आप लोग खुद पता कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे नगर पंचायत हैसर बाजार चेयरमैन प्रतिनिधि जी, जो कि यहाँ पर कड़ी से कड़ी सुरक्षा के लिए यहाँ पर हर संभव प्रयास करने का मदद कर रहे हैं। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।